कुछ स्टेट्स में इलेक्शन के समय पर रीजनलिज्म और हिंदी इम्पोजिशन के जो एलिगेशंस हैं वो गो टू पॉलिटिकल प्लैंक्स बन चुके हैं. इट्स कनाडा वर्सेस हिंदी. यू ओनली वांट टू इंपोज हिंदी ऑन अस. Now what is the reason of I don't know why you want Hindi? What's your problem? Kumar, a director on the KMF board, said that dairy farmers will not allow KMF to sell curd packets using the word dahi in Karnataka. Bihari gali hai. Agar Bihari gali hai to aao. Ye Karnataka ki dukaan mein main kaam karta hu. Is dukaan mein kaam karta hu. और हम बिहार से, हम हिंदी वालों के साथ इतना प्रॉब्लम होता है. पिछले 10 सालों में इमर्ज हुई जो हिंदुत्व की आइडियोलॉजी है, जिसका एम है कि सारे इंडियंस को एक सिविलाइजेशनल बैनर के अंडर यूनाइट करना. उनके सामने एक बड़ी चैलेंज है रीजनलिज्म की. ये सिर्फ सदर्न स्टेट्स में नहीं होता, महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब जैसे नॉन सदर्न स्टेट्स में भी होता है. क्रिमिनल एक्टिविटी जो हो रही है, जो क्राइम हो रहा है, तो वो उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और बांग्लादेश की बॉर्डर पे चल रहा है. लेकिन क्योंकि कुछ ही दिनों में कर्नाटका इलेक्शंस का रिजल्ट आने वाला है, तो इस इलेक्शन के समय पर भी जो एंटी नॉर्थ सेंटीमेंट्स हैं, ये फिर से सामने आ गए हैं. अमूल रिसेंटली अनाउंस दैट इट वाज मेकिंग अ फोरे इनटू कर्नाटका बाय स्टार्टिंग ऑनलाइन डिलीवरीज, एंड दिस अनाउंसमेंट डिड नॉट गो डाउन टू वेल विद सम सेक्शंस ऑफ कर्नाटकास. द ब्रुहाट बेंगलुरु होटल्स अनाउंस दैट इट विल ओनली यूज नंदिनी मिल्क टू सपोर्ट द स्टेट फार्मर्स. इनफैक्ट इस तरह के जो एंटी नॉर्थ सेंटीमेंट हैं, वो कभी कभी इतना हद से बाहर चले जाते हैं कि आईपीएल के रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के एंथम से हिंदी वर्ड्स निकलने की मांग होने लगती है. चेन्नई सुपर किंग्स में से सभी नॉन तमिल प्लेयर्स को बैन करने की बात होने लगती है. इनफैक्ट कुछ इंटेलेक्चुअल्स ने तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ साउथ इंडिया बनाने की भी बात कर दी है. तो आइए इस रीजनलिज्म के मुद्दे के बारे में बात करते हैं. क्या सेंटर सदर्न स्टेट्स के खिलाफ डिस्क्रिमिनेट कर रहा है? क्या साउथ पर हिंदी इंपोजिशन करने की कोशिश की जा रही है? हेलो हेलो, और श्याम शर्मा शो के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है. मैं हूं सेक्युलरिज्म का सीईओ श्याम शर्मा, और आप सबको एक सेक्युलर प्रणाम. तो देखिए, इंडिपेंडेंट भारत में रीजनलिज्म का जो सेंटिमेंट है, उसकी शुरुआत होती है तब जब लैंग्वेजेस के बेसिस पर स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज किया गया था. ये 1956 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत किया गया था, और इस एक्ट का गोल था कि भारत के स्टेट्स की जो अलग अलग भाषाएं हैं और अलग अलग रीजन्स के जो कल्चर है, उनको इन स्टेट्स में प्रोटेक्ट और प्रमोट किया जाएगा. लेकिन इसका एक और रिजल्ट ये हुआ है कि कुछ स्टेट्स में रीजनलिज्म बहुत बड़ा है और दूसरे स्टेट्स के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन और नफरत भी बड़ी है. और अक्सर पॉलिटिकल पार्टीज इस रीजनलिज्म का फायदा उठाकर लोगों को डिवाइड करने की कोशिश करते हैं और इलेक्शंस जीतने की कोशिश करते हैं. यार, कभी-कभी मुझे लगता है कि अगर बीजेपी नेशनलिज्म और हिंदुत्व छोड़कर रीजनलिज्म को अडॉप्ट कर लेगी, तो क्या ऑपोजिशन की पार्टीज बीजेपी से इतना नफरत करती हैं कि रीजनलिज्म को छोड़कर हिंदुत्व और नेशनलिज्म अडॉप्ट कर लेंगी? तो देखिए, जब भी भारत के कल्चर और सिविलाइजेशन को डिस्क्राइब किया जाता है, तो अक्सर फ्रेज यूनिटी इन डाइवर्सिटी का इस्तेमाल किया जाता है. कुछ स्टेट्स ये क्लेम कर रहे हैं कि ये जो भारत की डाइवर्सिटी है, ये खतरे में आ गई है. और अकॉर्डिंग टू दीज पीपल, पहला खतरा है हिंदी इम्पोजिशन. पॉलिटिशियंस, इंटेलेक्चुअल्स और सेलिब्रिटीज अक्सर इस हिंदी इम्पोजिशन के खिलाफ आवाज उठाते हैं. We respect all languages, but our mother language will always be Tamil. Beloved Tamil is the root of our existence. While speaking in the event, A.R. Rahman said that this is the time to celebrate all differences. और इसके खिलाफ प्रोटेस्ट भी किया जाता है. After anti-Hindi protests in Tamil Nadu, Karnataka is up in arms against use of Hindi in the metro signboard. It's Kannada versus Hindi. The Kannada language debate has positively exploded in Bengaluru. हाल में ही जो हिंदी इम्पोजिशन की बात उठी है, वो तब उठी जब अमित शाह ने कहा कि इस समय इंग्लिश एक तरह से लिंक लैंग्वेज है भारत का, लेकिन इंग्लिश तो फॉरेन लैंग्वेज है. हमको एक भारतीय लैंग्वेज को लिंक लैंग्वेज बनाना चाहिए और उसके लिए हिंदी का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि हिंदी सबसे ज्यादा वाइडली स्पोकन और अंडरस्टूड लैंग्वेज है. लेकिन साउथ के कुछ पॉलिटिशियंस इस बात से नाराज है. उनका मानना है कि हिंदी से उनके स्टेट्स के कल्चर को खतरा है. वो कहते हैं कि हिंदी बोलने वाले बहुत सारे लोग उनके स्टेट्स में इमिग्रेट कर रहे हैं, और उससे उनके स्टेट्स में हिंदी बढ़ रही है और उनकी जो नेटिव लैंग्वेज है वो खत्म हो रही है. और दूसरा, कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो उनके स्टेट्स पर हिंदी इंपोज करने की कोशिश कर रही है एजुकेशन सिस्टम और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का इस्तेमाल करके. लेकिन अगर हम कुछ फैक्ट्स को देखेंगे, तो वो क्लियर हो जाता है कि इमिग्रेशन उतना हाई भी नहीं है जितना पॉलिटिशियंस क्लेम कर रहे हैं. फॉर एग्जांपल, तमिलनाडु की 7 करोड़ पॉपुलेशन में सिर्फ 25 लाख माइग्रेंट्स हैं,
25 लाख तो यार अरविंद केजरीवाल ने अपने घर में कर्टन्स पे जितना खर्चा किया है उससे भी कम है नंबर। और अगर कर्नाटका को देखें, खासकर बैंगलोर को, तो उसमें सबसे ज्यादा माइग्रेंट्स नॉर्दर्न स्टेट से नहीं बल्कि तमिलनाडु से हैं, और उसके बाद आंध्रा और उसके बाद केरला। तो कर्नाटका को हिंदी इम्पोजिशन नहीं बल्कि तमिल और तेलुगु इम्पोजिशन की चिंता करनी चाहिए। एक और पॉइंट मैं उठाना चाहता हूं कि साउथ के कुछ पॉलिटिशियंस को सदर्न स्टेट्स में हिंदी इम्पोजिशन की बहुत चिंता है, क्योंकि हिंदी जो है वो साउथ की लैंग्वेज नहीं है। लेकिन हैदराबाद में बहुत बड़ी मुस्लिम पॉपुलेशन है जो मोस्टली उर्दू में बात करते हैं, ये पॉलिटिशियंस उनको क्यों नहीं अपोज करते? आउटफिट इज लिट। क्या लाइटा मार रहे? बैगन की बात मत करो। अरे खुदा तेरी खुदाई जुगले गए बिल्ली चमकाई। अल्हम्दुलिल्लाह हैदराबाद और पूरी रियासत हैदराबाद हमारे वतन अजीज भारत का हिस्सा बन गई। इनफैक्ट तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर केसीआर तो उर्दू को तेलंगाना स्टेट का सेकंड लैंग्वेज बनाना चाहते हैं, और ओवैसी भी असेंबली में उर्दू में भाषण देते हैं। ज्यादा मुसलमान उर्दू बोलते हैं लेकिन उर्दू हर किसी की जबान रही है। हिंदी इम्पोजिशन है, उर्दू भी तो साउथ की लैंग्वेज नहीं है, उर्दू इम्पोजिशन क्यों नहीं है? ये तो वही बात हुई कि एक बंदा बोल रहा है कि मैं वड़ा पाव नहीं खाऊंगा क्योंकि आलू जो है वो पोर्चुगीज बाहर से लाए थे, मैं बाहर का खाना नहीं खाऊंगा। और फिर वही बंदा अगले दिन मैकडॉनल्ड्स में जाके आलू टिक्की बर्गर ऑर्डर कर रहा है। और अब आते हैं उस एलिगेशन पे कि जो भारतीय गवर्नमेंट है वो एजुकेशन पॉलिसी का इस्तेमाल करके हिंदी इम्पोज कर रही है। अब देखिए, मेरा मानना है कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी को मद्देनजर रखते हुए हमको भारत की लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी को भी रिस्पेक्ट करना चाहिए। सारे स्टेट्स को एक दूसरे की लैंग्वेजेस को म्यूचुअली सीखना चाहिए। लेकिन कुछ पॉलिटिशियंस जो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि रीजनल लैंग्वेजेस को खत्म किया जा रहा है और उन पर हिंदी इम्पोज की जा रही है, ये बात भी गलत है। अगर हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को देखें तो उसमें एक प्रोविजन है कि देश के सारे बच्चों को 8 साल की उम्र तक उनकी मदर टंग में ही शिक्षा दी जाएगी। दूसरी बात, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने एक 3 लैंग्वेज सिस्टम डेवलप किया है जिसमें कि हर एक इंडियन स्टूडेंट 2 इंडियन लैंग्वेजेस और इंग्लिश साथ में सीखेगा, तो हर एक स्टेट का बच्चा अपनी मदर टंग में इंस्ट्रक्शन ले सकता है। और साउथ दिल्ली और साउथ बॉम्बे की लड़कियां इस लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शन ले सकती हैं। भैया भैया आरजे निकाल दीजिए। भैया भैया सुनीता राजू को बोल के मेरे लिए 4 बेगल्स मंगवा देंगे। अरे उनका कुत्ता बेगल नहीं। अच्छा ठीक है, मैं आपको व्हाट्सएप कर देती हूँ। बेब मैं ज़ारा में तो शॉप ही नहीं कर सकती हूँ सेल के टाइम पे यार, मैं इन प्लेब्स की तरह शॉपिंग नहीं कर सकती हूँ। नो सीरियसली बेब। इनफैक्ट नॉर्थ इंडिया के कुछ पॉलिटिशियंस जैसे कि योगी आदित्यनाथ, उन्होंने बोला भी है कि फ्रेंच और जर्मन सीखने के बजाय यूपी के स्टूडेंट्स को साउथ की और नॉर्थ ईस्ट की लैंग्वेजेस भी सीखनी चाहिए। और देखिए, मेरा ये मानना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को सभी स्टेट्स को एनकरेज करना चाहिए कि वो अपने स्टूडेंट्स को दूसरे स्टेट्स की लैंग्वेजेस भी सिखाएं स्कूल्स में। इससे अलग अलग स्टेट्स के बीच में दोस्ती, ट्रस्ट और स्टैंडिंग भी बढ़ेगी। लेकिन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को देखकर कम से कम ये तो नहीं लग रहा ना कि वो जबरदस्ती हिंदी इम्पोज करने की कोशिश कर रहे हैं दूसरे स्टेट्स पर। लेकिन इसके बावजूद रीजनलिज्म और हिंदी इम्पोजिशन के नाम पर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को अपोज किया जा रहा है। What do you want? It's not that simple. What do you want? दूसरी कंप्लेंट जो साउथ के कुछ पॉलिटिशियंस को है वो ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो नॉर्दर्न स्टेट्स के मुकाबले सदर्न स्टेट्स को इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज कर रही है। ये पॉलिटिशियंस क्लेम करते हैं कि साउथ के जो कुछ स्टेट्स हैं वो अगर हम इकोनॉमिक प्रोजेक्शंस को भी देखें तो नॉर्दर्न स्टेट्स के मुकाबले काफी तेजी से ग्रो कर रहे हैं और करते रहेंगे। अगर पर कैपिटा ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट भी देखें सदर्न स्टेट्स का, तो वो भी अगले 10 सालों में काफी तेजी से बढ़ेगा, तो वो अराउंड 5.5 लाख रुपए के पास होगा, जो कि नॉर्दर्न स्टेट्स के एवरेज से 2.5 गुना ज्यादा है। For every 1 rupee of tax contributed by Uttar Pradesh, that state receives 1.79 rupees back from central taxes. Tamil Nadu puts 1 rupee and we get 30-35 paise back. So it's not the money that we begrudge, it's the lack of progress. It's like throwing money down a well. एक और बड़ा इशू सदर्न स्टेट्स के लिए ये है कि वो नॉर्दर्न स्टेट्स से कंपैरिजन में ज्यादा टैक्सेस देते हैं, लेकिन रिटर्न में उनको सेंटर से कम रेवेन्यू मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, तमिलनाडु को 100 रुपए देने पर सिर्फ 30 रुपए मिलता है और बिहार को 100 रुपए देने पर 219 रुपए मिलते हैं। और ये इसलिए किया जाता है क्योंकि नॉर्दर्न स्टेट्स जो है उनकी पॉपुलेशन ज्यादा है, इसलिए उनको ज्यादा पैसे दिए जाते हैं, और सदर्न स्टेट्स की पॉपुलेशन कम है इसलिए उनको कम पैसे दिए जाते हैं। और अकॉर्डिंग टू सम पॉलिटिशियंस ये प्रॉब्लम और भी ज्यादा बढ़ने वाली है, क्योंकि अगर सदर्न स्टेट्स की फीमेल फर्टिलिटी रेट देखेंगे तो वो रिप्लेसमेंट रेट से नीचे है। रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी रेट होता है एवरेज नंबर ऑफ वुमेन बॉर्न पर चिल्ड्रन, जिस रेट पर पॉपुलेशन एग्जैक्टली अपने आप को हर जनरेशन में रिप्लेस कर सकती है। तो ये रिप्लेसमेंट रेट 2.1 चिल्ड्रन पर वुमेन होता है। जैसा कि मैंने कहा, सदर्न औरतों
की जो ये फर्टिलिटी रेट है वो रिप्लेसमेंट रेट से नीचे है, जबकि बिहार की 2.92 है, उत्तर प्रदेश की 2.3 है, मध्य प्रदेश की 2.3 है, राजस्थान की 2.2 है, यानी रिप्लेसमेंट रेट से ज्यादा। तो जिनकी रिप्लेसमेंट रेट लो है उनकी पॉपुलेशन घटेगी, जिनकी रिप्लेसमेंट रेट ज्यादा है उनकी पॉपुलेशन बढ़ेगी। पहले जो डिविजन ऑफ टैक्सेस बिटवीन अलग अलग स्टेट्स होते थे वो 1971 सेंसस के मुताबिक होते थे। कुछ समय पहले गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि जो डिविजन ऑफ टैक्सेस है वो 1971 सेंसस के बजाय 2011 सेंसस के बेसिस पर होंगे। गवर्नमेंट ने यह भी बोला है कि ऐसा नहीं होगा कि नॉर्थ को बहुत ज्यादा पैसे मिलेंगे, साउथ को कम पैसे मिलेंगे, उसका ध्यान रखा जाएगा। लेकिन सदर्न स्टेट्स के पॉलिटिशियंस को यह चिंता है कि जो कम पैसे उनको मिल रहे हैं वो पैसे और भी कम हो जाएंगे और नॉर्दर्न स्टेट्स को और भी ज्यादा पैसे मिलने लगेंगे। इस तरह की डिस्पैरिटी जो है वो गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऑन रेलवे जैसे एग्जाम्पल्स में भी देखी गई है। बजट एलोकेटेड फॉर 22-23 फॉर न्यू लाइन्स टू द सदर्न रेलवे इज ओनली 59 क्रोर्स एंड द नॉर्दर्न रेलवे इज 13,200 crores। तो बेसिकली सदर्न स्टेट्स की ये कंप्लेंट है कि भाई हमने अपनी पॉपुलेशन कंट्रोल की, अपनी इकोनॉमी ग्रो की। नॉर्थ के कुछ स्टेट्स हैं, उन्होंने अपनी इकोनॉमी भी उतनी ग्रो नहीं की है और अपनी पॉपुलेशन भी ठीक से कंट्रोल नहीं की है, तो हमको क्यों सजा दी जा रही है और एक्स्ट्रा पैसे उनको क्यों दिए जा रहे हैं? दिल से बुरा लगता है भाई। अब देखिए, इन एलिगेशंस के जवाब में कुछ फैक्ट्स सामने आने चाहिए। पहला, के जहां तक जीडीपी की बात हो रही है, कई नॉर्दर्न स्टेट्स हैं जिनकी जीडीपी सदर्न स्टेट से भी ज्यादा हाई है। उसके ऊपर से नॉर्दर्न स्टेट्स मुकाबले सदर्न स्टेट्स में इनकम इनइक्वालिटी भी ज्यादा है। फॉर एग्जांपल केरला, कर्नाटका और तमिलनाडु की इनकम इनइक्वालिटी नॉर्दर्न स्टेट से कहीं ज्यादा है। और जहां तक टैक्स और जीडीपी की भी बात करें तो महाराष्ट्र और कर्नाटका जैसे स्टेट्स में काफी बड़ा हिस्सा बेंगलोर और मुंबई जैसे शहरों से आता है। 2018-19 के इकोनॉमिक सर्वे ने दिखाया था कि बेंगलुरु डिस्ट्रिक्ट अकेला 2/3 ऑफ कर्नाटका की जीडीपी कंट्रीब्यूट करता है। महाराष्ट्र का 30% टैक्स मुंबई से आता है और इन शहरों में भी इमिग्रेंट पॉपुलेशन काफी हाई है, यानी कि जो इमिग्रेंट्स आ रहे हैं वो सिर्फ फ्री लोड नहीं कर रहे हैं, इमिग्रेंट्स इकोनॉमी में भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और टैक्स रेवेन्यू में भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। एक और फैक्ट ये है जो नोबेल लॉरिएट अभिषेक बैनर्जी ने भी बताया है कि नॉर्थ इंडिया के जो स्टेट्स हैं जो मुगलों के कब्जे में थे, उनमें मुगलों ने एक बहुत ओप्रेसिव जमींदारी सिस्टम लागू किया था जो कि सदर्न स्टेट्स में लागू नहीं किया गया था। और जिन स्टेट्स में जमींदारी सिस्टम लागू किया गया था उनमें हिस्टोरिकली हेल्थ और एजुकेशन में लोअर इन्वेस्टमेंट हुई है। और अगर आप बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, वेस्ट बंगाल जैसे स्टेट्स को देखें तो उनमें ऑलमोस्ट 100% लैंडलॉर्ड होल्डिंग है, जबकि सदर्न स्टेट्स में यह प्रोपोर्शन काफी कम है। और सिर्फ इंडिया में ही नहीं, अमेरिका और जर्मनी जैसे भी दूसरे कंट्रीज हैं जहां पर कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जो बाकी स्टेट्स से कहीं ज्यादा इकोनॉमिकली ओवर परफॉर्म करते हैं, और वो कितना कंट्रीब्यूट करते हैं और कितना रिसीव करते हैं उसमें भी काफी बड़ा डिफरेंस है। तो ये सिर्फ इंडिया के साथ नहीं होता है। कंट्रीज लाइक यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम, स्विट्जरलैंड, जर्मनी कंटिन्यू टू हैव अ लॉपसाइडेड शेयरिंग ऑफ फिस्कल बर्डन। एक और पॉइंट दिमाग में रखना चाहिए कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जो इन सदर्न स्टेट्स में आते हैं, उन्होंने कुछ समय पहले स्पेशल कैटेगरी स्टेटस की मांग की थी सेंट्रल गवर्नमेंट से, यानी इनके पास लो रिसोर्स और इकोनॉमिक बेस है, इंफ्रास्ट्रक्चर बैकवर्ड है और स्टेट के फाइनेंसेस बहुत खराब हालत में है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ नॉर्दर्न स्टेट्स की खस्ता हालत है, लेकिन इन सारे फैक्ट्स को दिमाग में रखते हुए मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो सदर्न स्टेट्स हैं उनके पास बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है ये, कि इस तरह की इनइक्वालिटी अगर हम देखें कि बड़े पॉपुलेशन वाले और गरीब स्टेट्स को ज्यादा पैसे मिल रहे हैं और पॉपुलेशन कंट्रोल करने वाले अच्छी इकोनॉमी वाले स्टेट्स को कम पैसे मिल रहे हैं, ये गलत है। नॉर्थ इंडिया के स्टेट्स को और सेंट्रल गवर्नमेंट को ऐसे स्पेशल प्लान्स और प्रोविजंस बनाने चाहिए जिससे कि उनकी इकोनॉमीज को भी बूस्ट मिले। और साला शिलाजीत को बैन करो जरा इन स्टेट्स में। लेकिन अगर पॉपुलेशन कंट्रोल की बात चल ही रही है तो क्या ये आर्गुमेंट मुस्लिम कम्युनिटी से भी करना चाहिए, क्योंकि उनका जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वो हिंदू कम्युनिटी से ज्यादा है? सॉरी, अरे लो यूट्यूब से मैसेज भी आ गया। इस तरह के सवाल पूछना बंद कर हरामखोर, वरना डिमोनेटाइज हो जाएगा। परेशान कर दिया यार। आई थिंक सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स दोनों को इन नॉर्थ इंडियन स्टेट्स में एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस करना चाहिए, स्कूल और हायर एजुकेशन दोनों का, और फिर जो एजुकेटेड यूथ है उनके लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन्हीं स्टेट्स के अंतर्गत प्रोवाइड करने की जरूरत है। हाल में ही मध्य प्रदेश ने कुछ लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज डेवलप की है जिससे उनकी इकोनॉमी में काफी मदद हुई है। उत्तर प्रदेश भी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है, मैन्युफैक्चरिंग डेवलप कर रहा है, आईटी सेक्टर को डेवलप कर रहा है अपने स्टेट में, जिससे कि उनकी स्टेट में उनके लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। वेस्ट बंगाल को देखें तो वो समुद्र से जुड़ा
जुड़ा हुआ है और उनके पास भी पुराना इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसका इस्तेमाल करके वो इंडस्ट्रीज और ट्रेड सेक्टर को डेवलप कर सकता है। बिहार को अगर देखें तो बिहार के पास बहुत सारा लेबर है और बहुत सारी फर्टाइल जमीन है, उसका इस्तेमाल करके प्रॉपर पॉलिसीज को डेवलप करके आप बिहार को इंडिया का दूसरा ब्रेड बोल बना सकते हैं, इंडिया का दूसरा पंजाब बना सकते हैं। और अगर हमने ऐसा नहीं किया तो सदर्न स्टेट्स के ऊपर इसी तरह से इकोनॉमिक प्रेशर बना रहेगा और अलग अलग स्टेट्स के बीच में दुश्मनी इसी तरह से बढ़ती रहेगी। तो ये रीजन तो जायज है, लेकिन बार बार बिल्कुल रूटीन से पॉलिटिशियंस इलेक्शन के समय पर इस बात को क्यों उठाते हैं, जिस तरह से सिंप रूटीन से लड़कियों की फोटो के नीचे कमेंट करते हैं। और मेरा मानना है कि वो रीजन है हिंदुत्व। देखिए, हिंदुत्व बेसिकली पिछले 10 सालों में एक काफी सक्सेसफुल इंडियंस को यूनाइट किया है कास्ट, रीजनल और लिंग्विस्टिक बैरियर्स को तोड़कर। जर्नलिस्ट शेखर गुप्ता ने एक बार कहा था, यू कैन यूज कास्ट टू डिवाइड व्हाट रिलीजन यूनाइटेड, और यू कैन एम्प्लॉय रिलीजन टू रीस्टिच व्हाट कास्ट Divided. और उसी तरह से हिंदुत्व का मानना है कि इंडियन सोसाइटी कमजोर इसलिए रही है, इन पर बाहर वालों ने कब्जा इसलिए किया है क्योंकि वो कास्ट और लैंग्वेज के बेसिस पर काफी डिवाइडेड थे, और हिंदुत्व का गोल है इंडियंस को यूनाइट करना। और इस हिंदुत्व की आइडियोलॉजी में बीजेपी की इकोनॉमिक स्ट्रेटेजी भी आती है कि वो अपने इकोनॉमिक प्रोग्राम्स का इस्तेमाल करके जो ऑप्रेस्ड क्लासेस हैं, कास्ट हैं, उनको भी इकोनॉमिक मेनस्ट्रीम से जोड़े और हिंदुत्व मूवमेंट से भी जोड़े, और इसमें बीजेपी काफी सक्सेसफुल भी रही है। अगर आप 2014 और 2019 इलेक्शंस के रिजल्ट देखेंगे तो बीजेपी का जो अपर कास्ट, ओबीसी, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब बेस है वो सारा बढ़ा है। इनफैक्ट बीजेपी का जो गरीबों का बेस है वो भी काफी बढ़ा है, और मिडिल क्लास का जो बेस है वो भी बढ़ा है। आप अगर उत्तर प्रदेश को देखें, उत्तर प्रदेश के बारे में माना जाता था कि भाई ये तो इतना ज्यादा कास्ट और रिलीजन में डिवाइडेड है कि इस स्टेट का कुछ नहीं हो सकता। लेकिन अगर पिछले 5-6 सालों को आप नोटिस करें, नलिन मेहता की एक बड़ी इंटरेस्टिंग किताब है द न्यू बीजेपी, उन्होंने दिखाया है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने हिंदुत्व और प्रॉपर लॉ एंड ऑर्डर और इकोनॉमिक पॉलिसीज का इस्तेमाल करके किस तरह से हिंदूस को यूनाइट किया है स्टेट में। इन द लोकसभा ऑफ 2019 अमंग द बीजेपी कैंडिडेट्स फील्डेड फ्रॉम यूपी 57.5% वर ओबीसी और एससी। ऑफिस बियरर्स इन उत्तर प्रदेश ऑफ द बीजेपी आर 50% फ्रॉम दीज टू कैटेगरीज। देयर इज अ लॉट ऑफ टॉक ऑफ ठाकुरवाद, ऑफ ठाकुर डोमिनेंस। इन हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स 48.1% ऑफ मिनिस्टर्स आर ओबीसी और एससी। And in the district level, 35.6% for OBC or SC. और इस स्ट्रेटजी का इस्तेमाल करके बीजेपी ने इंडिया के काफी बड़े एरिया में इलेक्शंस जीते हैं और इंडियंस को पॉलिटिकली यूनाइट किया है, और इसलिए हिंदुत्व इंडिया में एक जेन्युइन पॉजिटिव नेशनल विजन की तरह उभर कर आया है, अ विजन ऑफ अ स्ट्रॉन्ग यूनाइटेड डेवलप्ड इंडिया। और इस हिंदुत्व ने नेहरूवियन सेक्युलरिज्म और सोशलिज्म के नेशनल विजन को ऑलमोस्ट पूरी तरह से रिप्लेस कर दिया है, और अभी ये साउथ में इलेक्शन जीतने पर भी काफी मेहनत कर रहे हैं। और इसलिए जो ऑपोजिशन की पार्टीज हैं उनके सामने एक डायलेमा है, अगर वो स्मार्ट होते तो हिंदुत्व को एक्सेप्ट कर लेते, लेकिन हो सकता है अगर उन्होंने हिंदुत्व को एक्सेप्ट कर लिया तो उनका पॉलिटिकल करियर खत्म हो जाए, और क्योंकि हिंदुत्व मूवमेंट भारत के हिंदू सनातन सिविलाइजेशन से जुड़ा हुआ है वो इसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। तो अपनी तरफ से हिंदुत्व के ऑपोजिट एक पॉजिटिव नेशनल विजन ऑफर करने के बजाय वो रीजनलिज्म और कास्टिज्म का एक नेगेटिव नेशनल विजन ऑफर कर रहे हैं, और वो हिंदुस्तानियों को जोड़ने के बजाय अलग अलग रखने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो अपने इलेक्शन जीतते रहें। भारत में मरे हुए सैनिकों का कास्ट सेंसस करने की कोशिश की जाती है इंडियन सोसाइटी को डिवाइड करने के लिए। हिंदुत्व देश और कल्चर को कास्ट और लैंग्वेज के ऊपर रखता है, जबकि ऑपोजिशन पॉलिटिशियंस कास्ट और लैंग्वेज को देश और कल्चर के ऊपर रखते हैं। और इसीलिए डीएमके के एमके स्टालिन बोलते हैं कि वो द्रविड़ नाडु नाम की अलग एंटिटी बनाना चाहते हैं। भैया कहां बनेगा द्रविड़ नाडु? यहाँ। बेसिकली आप देख सकते हैं कि सिर्फ हिंदुत्व को अपोज करने के लिए ये कितनी दूर तक जा सकते हैं। ये इतनी दूर तक जा सकते हैं कि इन्होंने तो बोलना शुरू कर दिया है कि भारत देश ही नहीं है, सिर्फ एक यूनियन ऑफ स्टेट्स है। That India is described as a union of states. India is not described as a nation. It is described as a union of states. बेसिकली सिर्फ हिंदुत्व को अपोज करने के लिए ये भारत के टुकड़े टुकड़े करने को भी तैयार है। ऑपोजिशन पार्टीज बेसिकली जीत फिल्म के सनी देओल हैं। तुम मेरी नहीं हो सकती तो किसी की नहीं हो सकती। तुम सिर्फ मेरी हो और किसी की नहीं हो सकती। हम दोनों के बीच अगर कोई आया तो समझो वो मर गया, लाशें बिछा दूंगा लाशें। मेरे हिसाब से देखिए
इंडियन पॉलिटिशियंस का गोल होना चाहिए कि साथ में मिलके कंस्ट्रक्टिवली जो नॉर्थ वर्सेस साउथ की प्रॉब्लम्स है, इकोनॉमिक इश्यूज है, उनको सॉल्व किया जाए, नॉर्थ को डेवलप करने में हेल्प की जाए, दूसरे स्टेट्स के लोगों को, दूसरे स्टेट्स के कल्चर को डीमोनाइज नहीं किया जाए, देश को यूनाइट करने की कोशिश की जाए, देश को लैंग्वेज और कास्ट के नाम पर डिवाइड नहीं किया जाए। और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि नॉर्थ साउथ की जो प्रॉब्लम है, रीजनलिज्म की जो प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स दोनों क्या स्टेप्स ले सकते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। और आपको क्या लगता है कर्नाटका के इलेक्शंस कौन जीतने वाला है, वो भी नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। बाकी अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आया तो प्लीज आज के एपिसोड को एक लाइक दें, थम्स अप दें। अगर आप हिंदुत्व मूवमेंट के बारे में और भी जानना चाहते हैं तो यहां पर क्लिक करके जरूर हिंदुत्व मूवमेंट के बारे में अपने आप को और एजुकेट करें। और मैं आपसे अगले एपिसोड में मिलूंगा, और तब तक स्वस्थ रहें, सुखी रहें, फिर मिलेंगे। और आप सबको एक सेकंड प्रणाम।